विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक कचहरी बस स्टेशन स्थित विश्व संवाद केंद्र पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बजरंग दल के गोरख प्रांत के सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने किया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा बजरंग दल के द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजित युवा संस्कार सप्ताह कार्यक्रम के सफलता की रणनीति तैयारी की गई, जिसमें युवाओं को नशा मुक्ति का मंत्र बताया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, आने वाला जो 3 अक्टूबर तक हम लोग जो युवा संस्कार सप्ताह है, अब उन लोगों को जागृत करना है और उनके अंदर ऐसा एक आत्मविश्वास पैदा करना है कि नशा बहुत ही खराब चीज है, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि हमारे रोड एक्सीडेंट्स का यातायात जागरूकता के लिए भी हम लोग को कार्यक्रम इसमें करना है, जिसमें 6-7 चौराहों पर हमारे जो आए हैं हैंडबिल्स पैम्पलेट उनको बांटना, युवा एक सक्षम और सुदृढ़ भारत के निर्माण में सहयोगी बने। इसका बजरंग दल के प्रांतीय कार्यालय पर विश्व हिंदू बजरंग दल के आगामी कार्यक्रमों के लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 3 मुख्य कार्यक्रमों की चर्चा हुई है, जो केंद्र की तरफ से पूरे भारत में आगामी 25 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक युवा संस्कार सप्ताह के रूप में मनाया जाना है। नेतृत्व ने तय किया है कि शीर्ष नेतृत्व ने उसकी योजना बनी है कि वो नगरों में और इस महानगर में वो कार्यक्रम कैसे होंगे, उन कार्यक्रमों में युवाओं को में एक जो नशा ड्रग्स और इनकी जो बुरी आदत आ रही है इसके प्रति जागरूक करना और यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता, ये 2 मुख्य हैं उसके विषय। उसके लिए आज योजना बनी है कि नगरों में कार्यक्रम कैसे होंगे, गोष्ठियाँ होंगी, यातायात को करने के हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा यातायात के नियमों को उपयोग करने। दूसरा विषय जो बहुत बड़ा विषय है कि हमारी जिसको हम लोग आधी आबादी कहते हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि आगामी महानगर में आगामी उसमें 2000 माताओं बहनों को वो मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी से जोड़ेंगे, जिसकी भी रणनीति आज यहाँ पे बनी है कि किस तरह से माताओं बहनों को हित चिंतक के अभियान के द्वारा उनको जोड़ा जाएगा। तीसरा जो हमारे सबको कार्य करने के लिए जो हमारी समितियाँ हैं उनके निर्माण पर भी यहाँ चर्चा हुई है, पुनर्निर्माण की कि जो समिति पर कैसे उनको एक्टिव किया जाए, कैसे उनको कार्य में लाया जाए और नई समितियों का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए, ये 3 विषयों पर यहाँ पर अच्छी चर्चा हुई है।